अरे मत करना ऐसे, चिल्ला मत, उसको कट करना होता है। रुको रुको, सबसे ज्यादा परेशान यही है लेकिन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा राम राम। दिन का समय है और टाइम लगभग हो चुका है, दिन के 2 बज चुके हैं और फिलहाल हम खा रहे हैं खाना। खाना खाने में आज लेट हो गए, लेट इसलिए हो गए क्योंकि मैं गया हुआ था मार्केट। आज हमारे पंखे ख़राब हो गए, जो हमारी यहाँ पर लाइफ लाइन थी और स्टैंड फैन था, यहाँ पर ये दिख रहा है पूरा खुला हुआ, तो ये कल रात में बोल गया बेचारा, क्योंकि ये जब से गर्मी स्टार्ट हुई है नॉन स्टॉप चल रहा था और एक पंखा और बोल गया, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है तो लाइट डिम हो जा रही है, कभी तेज कभी कम, तो पंखे बोल जा रहे हैं ऐसे में। तो अभी मैं भी पहुँचा हूँ घर लगभग 5 मिनट पहले, और प्रियांशु भी अभी अभी स्कूल से पहुँचा हुआ है, तो हम दोनों खा रहे हैं खाना। तो आज दिन का भोजन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, भात दाल है, साथ में है लौकी की सब्जी, और यह है थोड़ा सा दही, और यह है साथ में सलाद। तो प्रियांशु ने तो यहाँ खाना स्टार्ट भी कर दिया एकदम बॉडी वॉडी दिखा के, और ज़बरदस्त स्वाद आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि भूख लगी है ज़बरदस्त, जो बच चुका है, खाने का टाइम ओवर हो चुका है। एक थाली सपाट चट हो गई और ये दूसरी थाली ले आया मैं, मज़ा आ रहा है एकदम। इसके साथ जो लौकी की सब्जी है ये, इसका स्वाद और बढ़ा देगी बात का। तो अभी हो चुका है मेरा भोजन और अब मैं जा रहा हूँ कोको को देने, वो बेचारा भी पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। कोको कोको आजा बाहर निकल। तो ये बेचारा यहाँ नीचे छुपा पड़ा है, वहाँ ठंडा हो रहा था, वहाँ छुपा पड़ा है नीचे। अभी रुक जा, लेके आ रहा हूँ तेरी कटोरी, आजा। हाँ खाली सब, चल सब खाना ठीक है, बर्बाद मत करना। और भैया बारिश ने तो मुंह एकदम मोड़ ही लिया है, तो फसल सारी सूखने के कगार पर आ चुकी है, पूरा देख सकते हैं खेतों में कहीं से कहीं तक पानी नहीं है, जैसे धान लगाए थे वैसे के वैसी हैं। पूरी दुनिया में बारिश हो रही है लेकिन भाबर में बारिश नहीं हो रही है, और अब बारिश होगी भी तो ऐसी बारिश होगी जो चारों तरफ नुकसान ही कर देगी। ये इस तरह से खेत सूखे पड़े हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है खेतों में, किसी के खेत में भी पानी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में क्या फसल होगी, क्या धान होंगे, राम ही मालिक है सब। मौसम विभाग ने बारिश बताई तो 18-19 को, तो आज 18 तो हो चुकी है, अभी तक तो बारिश आई नहीं, पता नहीं कब आएगी, लेकिन बादल ज़रूर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, रोज़ ही लगता है ऐसा, लेकिन शाम होते होते दूसरे दिन होते होते एक बूंद बारिश नहीं आती है, बादल घूम फिर के निकल लेते हैं साइड को। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है और अब हम लग जाते हैं काम काज में। तो प्रियांशु भी आ चुका है, अभी कपड़े अपड़े पहन लिए, इसने सारे पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, तो इस तरह से मैं इसको खोल के ले गया था, पूरा ही अलग भी लगा के ले आए थे, तोड़ मत देना। ऐसा मजा तो इसी पंखे की हवा खाने में है, हवा बहुत बढ़िया देता है। तो फिलहाल तो ये ठीक हो चुका है और चलना स्टार्ट हो गया है, तो फिलहाल यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि कब पंखा लगे और कब पंखे की हवा खाई जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही है गर्मी तो सभी को लेकिन गर्मी सबको हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तुम हो रही है, क्योंकि इनके रूम का जो है पंखा खुला हुआ है और कूलर भी मैं यहाँ पर ले आया हूँ। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, अभी लगाते हैं उसको भी। तो अभी बाहर की जाली लगा रहा है प्रियांशु, तो अभी सीखने की ज़रूरत है, हवा ही हवा खा के काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत साफ सफाई उसको मेंटेन करना तो आना चाहिए। तो ये लगा दी है प्रियांशु ने सामने वाली जाली, पकड़ू क्या,
तो फिलहाल हमारा ये वाला स्टैंड वाला फैन एकदम रेडी हो चुका है, तो अभी हमने इसको चालू कर दिया है। तो अभी आप फिट करते हैं सीलिंग फैन। गर्मी बहुत हो रही तो हिम्मत नहीं कर रही है सीलिंग फैन लगाने में, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी होने वाली है। तो अभी प्रियांशु यहाँ पर सीलिंग फैन रेडी कर रहा है, तो इसके पंखे वंखे लगा रहा है ये, बाकी फिर इसको लगाऊंगा छत पे। और मैं फिलहाल लगा लेता हूँ ये कूलर का प्लग, ये भी ऐसी काम चला हो रहा है, कहीं किसी को करंट लगेगा। तेरे को लग चुका है तो तू नहीं तोड़ा है ये? मैंने कब तोड़ा है? तुम लोग क्या है वहाँ से निकाल के बोर्ड से इसको नीचे फेंक देते हो, तो टूटना ही है वो। जब किसी चीज़ की इज्जत नहीं करोगे तो कच्चा हो पक्का हो टूट जाएगा, पत्थर भी टूट जाता है, लोहा भी टूट जाता है। हेलो, कहाँ से आ रहा है तू इतने धूप में? अच्छा उसको दूध दे दे यार, सुबह से अभी आ रहा है। तो अभी कूलर का प्लग भी लगा दिया है, तो आज जितनी भी छोटी बड़ी कमियां थी सब ठीक कर दी है। तो अभी ये पंखा भी जोड़ दिया है बिल्कुल बढ़िया से, तो अब इसको भी लगा लेते हैं फटाफट से। अरे यार मैं तो खोला ही नहीं। चलो भैया, लखाना तो बड़ी टेढ़ी थी, उतारना आसान है मेरे पंखे को, गोटी भी लगानी पड़ी। अरे यार उठा दो नट खा लिया। तो पंखा टांग दिया है ये वाला भी, कनेक्शन भी कर दिया है, तो अब चला कर देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। स्पीड बड़ी नहीं बड़ी, तो पहले तो ये मरी हुई चाल में चल रहा था एकदम। ये लाइन नहीं है क्या मिंचू? ए तेरी, ए बहुत फुल स्पीड पकड़ लिया भाई, ठीक हो गया। चलो मेहनत सफल हो गई, सही है अब पक्का। तो प्रियांशु को हो रही है यहाँ खेलने जाने की जल्दी, मैं कह रहा हूँ उसे कि कोको को नहला के जा, वो बेचारा गर्मी। ए ए ए अरे 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 पकड़ उसको पकड़, पता चल गया उसको, पता चल गया कि उसको नहला रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही भाग रहा है फिर भी, हद हो गई। चल इसको पता चल जाता है कि नहला रहे हैं, हद हो गई यार, कैसा कुत्ता है यार, इतनी गर्मी हो रही है इतनी लंबी जीभ निकाल रहा है और नहाने से डर रहा है, बात इसको। तो फिलहाल प्रियांशु नहला रहा है कोको को, और दिन में तो मौसम ऐसा लग रहा था कि बरसात आएगी, और अभी शाम होते होते बादल गायब हो चुके हैं, तो अब नहीं लग रहा है कि बारिश आएगी। और श्रीमती जी दे रही हैं अभी लल्लू और लक्ष्मी को पानी, उनको पानी देने का टाइम हो चुका है। लेकिन मेरे पीछे जो डाई थपोड़ी है ना तुमने, ये बहुत बुरा गया तुमने। अरे धोई क्या ढंग से नहीं लगाया, तो ढंग से अब कितना धो, क्या खाल निकाल दूं क्या? दो बार तो शैम्पू लगाया, अब खाली निकाल नहीं रह गई। लगा तो सही, खाली क्यों बोल रहा है? मैंने फोटो खींच के, और ये प्रियांशु ज्यादा चिढ़ा रहा है इसको, खाली चिढ़ा रहा तुम्हें मजाक कर रहा, अरे मजाक कर रहा है, मजाक नहीं, उसने मुझे फोटो खींच के भी दिखाई है, फोटो खींच के फोन से, तुमने पूरा नीचे ऊपर ऐसा बना रखा है पूरा पर्वत जैसे। चलो हो गया, धुल जाएगी, तो तुम काम करो फटाफट, नहला इसको ढंग से, आराम से चला, नल टूट जाएगा। अरे क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके डालना पानी, ऐसे इकट्ठे डालेगा तू। कैसा है यार ये, डरा रहा ना? ये प्रियांशु को डरा रहा है। अरे यार हद हो गई, अपने कुत्ते से ही डर रहा है। तो वहाँ जो यूपी में पिटबुल वाला केस हुआ है, एक जो एक पिटबुल ने अपने मालकिन को ही काट काट के मार दिया, तो आजकल वही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसीलिए ये भी डर रहा है, इसने भी देखा होगा वो, तो कोको से ही डर रहा है। एक बार भी पानी नहीं गया उसमें। एक बार भी पानी नहीं गया उसके ऊपर में, तूने इतना पानी बेकार कर दिया। आराम से ऐसे देख, अभी भी नहीं गया, क्या हो गया होगा यार इसको?
अरे इसमें डाल दो। जग ले गया जा अंदर से, चल जग ले गया। अरे मैं नहीं नहा रहा, मैं जा रहा हूं। जा जाके देख फिर बताऊंगा। तो प्रियांशु ने लगभग 5 तसले पानी डाल दिए कोकू के ऊपर, एक भी बार उसके ऊपर पानी नहीं गया, कीड़ा और रहा उसको। खड़े रह, ए साला यार आराम नहीं होगी, डरा रहा है। पानी से ये पिटबुल के वो आगे के लक्षण इसमें ले पानी भर। गर्मी से लंबी लंबी जीभ निकाला लेकिन नहाना नहीं है तुझे, हैं पिटाई करूं तेरी? अरे मत करना ऐसे, चला मत उसको, कट करना होता है। लाइ बोला होगा जो कर, ले मरेगा नहीं, पानी से गल जाएगा। आकर कर ले ले ले, आराम नहीं मिल रहा है क्या? अरे उसका पूरा शरीर एक बार हिला कर दो ना। तो बड़ी मुश्किल से कोको को नहलाया, डरा धमका कर, वो उल्टा हमें जो डराने लग गया। तो पानी से तो उसका भूत भागता है एकदम, जबकि मैंने आमतौर पर डॉगियों को देखा है उनको पानी से विशेष प्रेम होता है गर्मियों में वो भी, लेकिन ये है कि काठी कुत्ता, इसको पानी से डर लगता है। और फिलहाल प्रियांशु जा रहा है, कहाँ जा रहा है, है? टाइम से आ जाना घर, ठीक है? तो प्रियांशु जा रहा है खेलने, और वो पैडल देख उसका कैसा हो गया वो है, अभी कितने दिन हुए साइकिल को, 2 महीने भी मुश्किल से नहीं हुए, तूने एक पैडल पूरा फाड़ दिया। जब वो ढीला हुआ था तभी सीधा कर लिया होता उसको, रोज तू जाता है चक्की मोड़, वो मदन की दुकान में दिखाता उसको, कहता सही कर दे इसको खोल के। क्या सही करना, टूट गया? अब तो टूट गया, नहीं डलेगा वो, पहले 10 रुपये लगते हैं, अब लगेंगे 100 रुपये, 120 फिर जोड़े, 120 के जोड़े। अरे अभी तो चलेगा, चलेगा क्या, तब तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अभी कोको को पता चल गया कि मुझे गुस्सा आ गया, पैर पर आके अभी ये लिपटने लग गया। खोल दूँ कोको, ऐसा कौन करता है, हैं नहलाते हैं ऐसा करता कोई, हैं खोलते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हो चुका है हमारे कुट्टी काटने का समय, और यहाँ श्रीमती जी का आप गोबर पानी का काम शुरू हो चुका है, शाबाश शाबाश वेरी गुड। और फिलहाल चारा वारा कट के आ चुका है, तो ये सुबह ही काट लेते हैं हम, क्योंकि शाम के समय तो काफ़ी ज़्यादा उमस और गर्मी हो जाती है। तो 2 गट्ठे चारे के काट लिए हैं सुबह सुबह, तो अभी इसको काटेंगे बढ़िया से कुट्टी।